जिमनी चोणां दे नाल जुड़ी वड्डी खबर। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार चार सीटां उत्ते होण जा रहियां जिमनी चोणां दे लई उम्मीदवार नहीं उतारे जाणगे। यह फैसला अज पार्टी की वर्किंग कमेटी ते जिला प्रधानां दी मीटिंग दे विच लिया गया है। करीब दो घंटे चली मीटिंग दे विच इस मुद्दे उत्ते चर्चा हुई, जिस तों बाद यह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। मीटिंग की प्रधानगी कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने की। यह फैसला अजिहे समय दे विच लिया गया है जदों पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों तनखाइया ऐलानिया गया है। अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह पहला ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तनखाइया उदों तक तनखाइया रहिंदा है जदों तक उसकी तनखाह पूरी नहीं हो जाती। उसकी सज़ा बारे फैसला दिवाली तो बाद लिया जाएगा। अजिहे विच स्पष्ट है कि सुखबीर बादल ना तो प्रचार कर सकते हैं अते ना ही चोण लड़ सकते हैं। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। जिमनी चोणां दे नाल जुड़ी वड्डी खबर। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार चार सीटां उत्ते होण जा रहियां जिमनी चोणां दे लई उम्मीदवार नहीं उतारे जाणगे। यह फैसला अज पार्टी की वर्किंग कमेटी ते जिला प्रधानां दी मीटिंग दे विच लिया गया है। करीब दो घंटे चली मीटिंग दे विच इस मुद्दे उत्ते चर्चा हुई, जिस तों बाद यह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। मीटिंग की प्रधानगी कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने की। यह फैसला अजिहे समय दे विच लिया गया है जदों पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों तनखाइया ऐलानिया गया है। अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह पहला ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तनखाइया उदों तक तनखाइया रहिंदा है जदों तक उसकी तनखाह पूरी नहीं हो जाती। उसकी सज़ा बारे फैसला दिवाली तो बाद लिया जाएगा। अजिहे विच स्पष्ट है कि सुखबीर बादल ना तो प्रचार कर सकते हैं अते ना ही चोण लड़ सकते हैं। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। जिमनी चोणां दे नाल जुड़ी वड्डी खबर। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार चार सीटां उत्ते होण जा रहियां जिमनी चोणां दे लई उम्मीदवार नहीं उतारे जाणगे। यह फैसला अज पार्टी की वर्किंग कमेटी ते जिला प्रधानां दी मीटिंग दे विच लिया गया है। करीब दो घंटे चली मीटिंग दे विच इस मुद्दे उत्ते चर्चा हुई, जिस तों बाद यह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है। मीटिंग की प्रधानगी कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने की। यह फैसला अजिहे समय दे विच लिया गया है जदों पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों तनखाइया ऐलानिया गया है। अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह पहला ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तनखाइया उदों तक तनखाइया रहिंदा है जदों तक उसकी तनखाह पूरी नहीं हो जाती। उसकी सज़ा बारे फैसला दिवाली तो बाद लिया जाएगा। अजिहे विच स्पष्ट है कि सुखबीर बादल ना तो प्रचार कर सकते हैं अते ना ही चोण लड़ सकते हैं। अकाली दल जिमनी चोणां दे विच अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब विच जिमनी चोणां ना लड़न दा फैसला लिया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे विच इह फैसला है जिहड़ा उह लिया गया है।